हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ये क्लास 12 फिजिक्स का एक कोर्स है जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है, बिल्कुल डिटेल में करवाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको नोट्स और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब ये नोट्स और वर्कशीट्स के लिए आप मंदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो या मंदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही नीचे वेबसाइट का लिंक भी दे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर भी आप नोट्स और वर्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अपनी क्लास 12 फिजिक्स की पूरी प्रिपरेशन डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको करनी है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है। जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक लिए हैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीच में से पढ़ना नहीं शुरू करना, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सारे लेक्चर जुड़े हुए हैं आपस में। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कल वाले लेक्चर से रिलेटेड है, कल जो पढ़ाऊंगा वो आज वाले लेक्चर से रिलेटेड है। तो आपको ऑर्डर में देखना, ठीक है। तो अगर आप बीच में से यहां से शुरू कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा इसको देखने का। पहले स्टार्टिंग से पूरा का पूरा जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए ऑर्डर वाइज उसको देख के आओ, तब आपको चीजें समझ में आएंगी और ज्यादा मजा आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप जानते हो कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे कंडक्टर के दोनों एंड्स में, करंट उस कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो करेगा वो उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये ओम्स लॉ है। अब इससे आपको एक इक्वेशन मिलती है वी इक्वल टू आई आर। तो आप बोलते हो कि भाई वी प्रोपोर्शनल टू आई था तो हमने यहां पे जो आर लगाया है ऑब्वियसली वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहां पे। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं करते हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मिल जाएंगे जिनके लिए वी और आई प्रोपोर्शनल है ही नहीं, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली उनके लिए वी और आई प्रोपोर्शनल नहीं है तो ओम्स लॉ वो फॉलो नहीं करते, ठीक। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, ये ओम्स लॉ है। अगर कोई चीज ओम्स लॉ फॉलो करती है तो वी प्रोपोर्शनल टू आई उसके लिए होगा, तो वी इक्वल टू आई आर अगर उसकी इक्वेशन बनेगी तो ऑब्वियसली आर जो है वो कांस्टेंट होगा। भाई प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट ही तो लगाते हो। लेकिन आप सोचो कोई ऐसी चीज है जिसके लिए वी इक्वल टू आई आर तो वैलिड है, ये पूरी तरह से वैलिड है कि वी इक्वल टू आई आर है, लेकिन वी प्रोपोर्शनल टू आई वैलिड नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, भाई जब v प्रोपोर्शनल टू i नहीं है लेकिन v इक्वल टू i r तब भी वैलिड है, तो आप ये बोलोगे ना कि r जो है वो वेरिएबल है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही ना हो, बदल जाए सिचुएशन के हिसाब से बदल जाए। पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसी ही चीज है जिसके बारे में आप आखिरी चैप्टर में पढ़ोगे, तो उन कॉम्पोनेंट्स को हम डिटेल में यहां पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो टॉपिक है यानी कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं बोलूंगा एक चीज होती है पीएन जंक्शन, आप सोचोगे पीएन जंक्शन क्या होती है, अरे भाई पीएन जंक्शन जब आएगी जिस चैप्टर में तो पढ़ लेंगे डिटेल में। अभी पीएन जंक्शन से रिलेटेड जो बात आपको समझानी है वो समझ में आ जाएगी, ठीक। सो ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिनके लिए वी प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है तब भी वी इक्वल टू आई आर फॉलो होता है। यार तो वी आई प्रोपोर्शनल है नहीं फिर भी वी इक्वल टू आई आर है तो ऑब्वियसली आर यहां कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा, आई और आर बदल रहे हैं, दोनों आई और आर बदल रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो वी है उसके अक्रॉस, ठीक। तो काफी जगहों पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ की लिमिटेशन। और ये वो जगहें हैं, वो सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जिनका आर कांस्टेंट नहीं है। जब उनका आर कांस्टेंट नहीं होता है तो हम उनके रेजिस्टेंस को बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। लेकिन सबसे पहले जरा उसकी बात कर लें जिसके लिए ओम्स लॉ वैलिड है। एक नॉर्मल कॉपर वायर है तुम्हारे पास, भाई इसके लिए तो ओम्स लॉ वैलिड है। एक कॉपर के कंडक्टर के अक्रॉस तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और करंट फ्लो करा, वी तुमने बढ़ाया, आई बढ़ा, बिल्कुल प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ा, वी डबल किया आई डबल हुआ। लेकिन अगर वी को बढ़ाते जाएंगे तो आई बढ़ता जाएगा, तो क्या कोई लिमिट है? आपने इतना ज्यादा वी बढ़ा दिया किसी कंडक्टर के अक्रॉस कि उसके अक्रॉस करंट इतना ज्यादा बढ़ गया,
अब करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लास टेंथ में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी आई स्क्वायर आर टी, टेंथ में फॉर्मूला पढ़ा है। सोचो आप वी बढ़ाते जा रहे हो, वी बढ़ाते जा रहे हो, नॉर्मल कॉपर वायर की बात कर रहा हूं जिसके लिए तो आप सोचते हो ओम लॉ वैलिड है। वी बढ़ाते जा रहे हो, वी बढ़ाते जा रहे हो, वी बढ़ाते जा रहे हो, आई बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन आई के बढ़ने से हीट बढ़ती जा रही है, यानी इसका जो टेम्परेचर है, इस वायर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और आपको पढ़ा दिया है कल के लेक्चर में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मेटल्स का रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। लो कहानी उल्टी पड़ गई, आप V बढ़ा रहे थे ताकि I बढ़े, लेकिन I इतना नहीं बढ़ा देना है कि हीट इतनी ज्यादा पैदा हो जाए कि रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घटने लगे। तो अब V के बढ़ने से करंट जितना बढ़ रहा था, हीट के बढ़ने से, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट उतना ही घट रहा है। तो ओवरऑल करंट कहता है भैया मैं ना बढ़ रहा, एक तरफ तो तुम मुझे बढ़ा रहे हो, तुमने V बढ़ा दिया तो तुम कहते हो करंट मेरे को कि बढ़, और दूसरी तरफ मेरी वजह से इतनी हीट पैदा हो रही है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू I होगा, V प्रोपोर्शनल टू I होगा, तो ये बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि भैया V बढ़ाओगे, लेकिन देखो इस तरफ है ना I x एक्सिस में लिया, तो इस तरफ जाएंगे ग्राफ में तो मतलब I बढ़ रहा है, लेकिन यहां तक अगर आप देखो यहां तक तो ग्राफ इधर भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, मतलब V बढ़ने से I बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप देखो ग्राफ केवल ऊपर जा रहा है आगे नहीं जा रहा है। तो इस पॉइंट के बाद इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है कि रेजिस्टेंस की वजह से आई घट रहा है और वी लगाने की वजह से आई बढ़ रहा है, तो क्या होगा ये ऐसे जाना शुरू कर देगा, तो मतलब आई बढ़ना बंद हो जाएगा। तो यहां तक तो वी प्रोपोर्शनल टू आई है, लेकिन इस रीजन के बाद वी प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है। तो एक समय ऐसा आएगा कंडक्टर के अंदर भी, मेटल के अंदर भी, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई वी स्टॉप्स बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू आई, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, शेरो शायरी सी हो गई है, तो when the temperature is high V stops being directly related to I। वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है। सो ये पहली लिमिटेशन है, ठीक है, इसको आप जरा अच्छे से याद रखना। तो ये जो ग्राफ आपका बनाया गया है, ये जो ग्राफ आपका डॉटेड लाइन से बनाया गया है, ये जो डॉटेड लाइन से बनाया गया है ना, ये तो है आपका एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ग्राफ बना दिया हमने, जो डॉटेड लाइन से बना है एक्सपेक्टेशन है, येलो लाइन से बना है वो रियलिटी है। सेकंड लिमिटेशन क्या है बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आप पढ़ोगे एंड में, ठीक है, चैप्टर के एंड में नहीं, सॉरी आखिरी चैप्टर में, सिलेबस के एंड में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई V की मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी पोलैरिटी बदल देने से करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। अब जैसे ये रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस आपने ये लगाया है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस आपने ये लगाया है V, ठीक है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर करंट I जो है वो फ्लो कर रहा होगा। लेकिन अब अगर आप इसकी पोलैरिटी बदल दो, मान लो यहां पर हमने लगाया 20 वोल्ट और I जो है वो है 1 एम्पियर, लेट अस एज्यूम, है ना, कोई भी एग्जांपल ले ली। अब हमने क्या किया कि इसकी पोलैरिटी बदल दी और इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, यानी हमने इसको -20 वोल्ट कर दिया। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट 1 एम्पियर ही हो लेकिन उल्टी डायरेक्शन में हो। भाई जब हमने वोल्टेज उतनी ही लगाई है तो करंट भी उतना ही होना चाहिए, बस वो डायरेक्शन बदल लेगा क्योंकि हमने पोलैरिटी बदल दी पॉजिटिव नेगेटिव की। बट कंडक्टर में तो यही होता है और यही एक्सपेक्टेड भी है, ओम्स लॉ से ये एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा नहीं होता। अगर आप वी बदल दो, पोलैरिटी बदल दो, तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम वी की वैल्यू के लिए सेम आई नहीं मिलता। ये एक और लिमिटेशन हो गई ओम्स लॉ की, है ना। पीएन जंक्शन के बारे में आप पढ़ोगे वो रिवर्स बायस्ड होती है, फॉरवर्ड बायस्ड होती है, ये सारी चीजें। तो रिवर्स बायस्ड करने पे, रिवर्स बायस्ड मतलब पोलैरिटी बदल देने पे, मेन डिटेल में वो टर्म हम एंड में पढ़ें, पोलैरिटी बदल देने पे अगर आप उल्टी डायरेक्शन में उतना ही वी लगाते हो जितना सीधी डायरेक्शन में लगाया था, तो आपको उतना करंट नहीं मिलता है जितना मिला था, अपोजिट डायरेक्शन में उतना करंट नहीं मिलता। अब आप ग्राफ देखो जरा, तो ये ग्राफ है आपका, ठीक है। अगर मैं यहां पे मैं सपोज कोई मार्क ले लू,
यहाँ पे मैंने सपोज एक मार्क ले लिया, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि बात ज्यादा बेटर समझ जाए। यहाँ पे मैंने मार्क ले लिया वी का, कोई वैल्यू है इतनी ही वैल्यू मैंने उधर ले ली और फिर मैंने मार्क लिया, तो आप क्लियरली देख सकते हो एक तो यहाँ पे उसी वी पे आई की इतनी बड़ी वैल्यू आई है और उसी वी पे आई की छोटी वैल्यू आई है अपोजिट डायरेक्शन में। बट यहाँ पे एक और बहुत चीज नोट, इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि ये करंट मिली एम्पियर में जबकि उल्टी डायरेक्शन में माइक्रो एम्पियर में, तो अगर सेम हाइट पे आता तो भी सेम नहीं था। तो आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने पे करंट की वैल्यू सेम नहीं मिलती। तो जरा ये साथ साथ आपको जो नोट्स हैं भी बनाने हैं ना, देखो कितना क्लियर लैंग्वेज में यहां पे लिखा हुआ है, द कनेक्शन बिटवीन वी एंड आई चेंजेस डिपेंडिंग ऑन वेदर वी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस मीन्स दैट इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वी बट कीप इट स्ट्रेंथ द सेम द करंट दैट फ्लोस विल नॉट बी सेम एज बिफोर बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ डायोड। समझ में आई बात, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इस ग्राफ को लास्ट में पढ़ेंगे, अभी आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं इस ग्राफ के बारे में इस चैप्टर में कोई, बट लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ आएंगी तो इसके साथ ही आपको एक्सप्लेन करना होगा। तीसरा, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई कैन वेरी, मीनिंग देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी फॉर सेम करंट। देखो भाई, आप हम मतलब क्या आप या हम दोनों हम यही बात कह रहे हैं कि V और I प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ V यू विल गेट डिफरेंट I, है ना, V1, V2, V3, V1 के लिए ये I1 है, V2 के लिए ये I2 है, V3 के लिए ये I3 है, सो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू, बट ये एक्सपेक्टेड है ओम्स लॉ से, बट ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। कैसा हो रहा है उसके लिए आपको गैलियम आर्सेनाइड का ये ग्राफ देखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे बनाया। गैलियम आर्सेनाइड क्या नाम ले दिया बच्चों, गैलियम आर्सेनाइड एक मटेरियल होता है जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हैं, बहुत फेमस सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। हमने एक्सपेरिमेंट से कंपाउंड्स के बने हुए सेमीकंडक्टर भी बनाए हैं, उसमें से गैलियम और आर्सेनिक का कंपाउंड है GaAs विच इज गैलियम आर्सेनाइड। उसका VI ग्राफ अगर आप देखोगे तो x एक्सिस पे ये वोल्टेज है, x एक्सिस पे वोल्टेज है और y एक्सिस पे करंट है, तो ये शुरू में तो ये जो रीजन है ये प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां पे देखो ग्राफ कैसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे चला गया। तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ I यू विल गेट टू डिफरेंट V, है ना, I की सेम वैल्यू के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पे I की एक वैल्यू है ये, अब यहां से आप ग्राफ ऐसे खींच दो तो वही I जो है वो वही I आपका, वही I आपका इतनी वैल्यू ऑफ V पर भी है और इतनी वैल्यू ऑफ V पर ही, तो ये कैसे हो गया भाई, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ ही नहीं है। और ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, गैलियम आर्सेनाइड एक और ऐसे ऐसी चीजों को पता क्या बोलते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक। तो एक तो नॉन ओमिक हमें पता चला पीएन जंक्शन डायोड, दूसरा हमें नॉन ओमिक पता चला गैलियम आर्सेनाइड। ये तो रही आपकी, ये तो लीनियर रीजन हो गई, ये तो मोटा मोटा जो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो दिस इज लीनियर रीजन, दिस इज नॉन लीनियर रीजन, है ना, यहाँ पे नॉन लीनियर है। और ये क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। बच्चों अगर आप इसकी तरह V ले लेते हो X में और I ले लेते हो Y में और आप इसका ग्राफ बनाते हो, तो आप जानते हो कि किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है, किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो होती है Y बाय X, इसकी स्लोप होगी I बाय V, R होता है V बाय I, यानी स्लोप हो गई 1/R, स्लोप क्या हो गई 1/R। अच्छा, तो मतलब VI ग्राफ की जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस है, VI ग्राफ की जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस है। अब अगर आप यहां पे देखो, तो स्लोप क्या होगी, जैसे यहां पे मैंने ऐसे करके एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, यानी कि ये थीटा लेस देन 90,
यानी कि ये रीजन जो है इसकी स्लोप पॉजिटिव है और वीआई ग्राफ की जो स्लोप है वो 1/r है, तो मतलब पॉजिटिव रेजिस्टेंस हुआ। और यहां पे अगर इस रीजन में आप कहीं पर भी अगर टेंजेंट बनाओगे, कहीं पर भी टेंजेंट बनाओगे, तो वो टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा ना, वो टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, थीटा थीटा नहीं थीटा ग्रेटर देन 90। इसका मतलब है कि स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब रेजिस्टेंस नेगेटिव। तो ये लीनियर रीजन है जहां पे v प्रोपोर्शनल टू i है, ये नॉन लीनियर रीजन है, ये तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है। तो देखो एक ही ग्राफ में कितनी चीजें मिल रही है। अब यहां पे कहां ओम फ्लो फॉलो हो रहा है, सिर्फ इतने से पार्ट में फॉलो हो रहा है। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला तो ये कि नॉर्मल कंडक्टर के अंदर ही हाई टेम्परेचर पे मतलब हाई वैल्यूज ऑफ करंट पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहता। दूसरा पीएन जंक्शन डायोड के लिए वी सेम वैल्यू अगर अपोजिट डायरेक्शन में लो देन यू विल नॉट गेट द सेम करंट दैट यू गॉट इन द फर्स्ट सिनेरियो, जब करंट उल्टी डायरेक्शन में सीधी डायरेक्शन में। एंड द थर्ड वन इज गैलियम आर्सेनाइड, जिसमें तो भैया बिल्कुल ही अतरंगी चीजें हो रही है। सेम आई के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी मिल रही है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, नॉन लीनियर रीजन भी है और बीच में कहीं पे स्टार्टिंग में लीनियर रीजन भी है जहां ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आप मेंशन करके आओगे जब आपको लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा। बीच में से भी पूछा जा सकता है, इस ग्राफ पे तो कई बार क्वेश्चन आया नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मार्क करने के लिए। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, जो जो आपको लिंक्स बताया वहां चले जाओ नोट्स और वर्कशीट्स के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।